नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों बोला फिल्म के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों बोला फिल्म का जो मंडे से लगातार कलेक्शन आ रहा है वो लगभग एक एक रेंज में आ रहा है, मतलब ज्यादा छोटा बड़ा नहीं हो रहा है, ज्यादा मतलब कम ज्यादा नहीं हो रहा है। मंडे को 1.60 करोड़ आया था, ट्यूजडे को भी 1.60 करोड़ रुपीज का कलेक्शन रहा है, वेनेसडे को थोड़ा डाउन हुआ, 1.50 करोड़, 1.49 करोड़ टू 1.50 करोड़, और कल की जहां तक अभी तक की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार कल कलेक्शन बढ़ा है, बुधवार के मुकाबले कलेक्शन में बढ़ोतरी हुई है और 1.60 करोड़ का कलेक्शन आया है। अब इसमें कुछ फर्क हो सकता है, एक्यूरेट डाटा लगातार थोड़े चेंज होते रहते हैं, जैसे इंटेरियर से रिपोर्ट्स आती है, तो 1.60 करोड़ में मान लेता हूँ तो करीब करीब 78.58 करोड़ रुपए का कलेक्शन प्रथम 15 दिनों का बोला फिल्म का हो गया है, जिसे बहुत अच्छा तो नहीं कहा जा सकता लेकिन बुरा भी नहीं कहा जा सकता। कुल मिलाकर के ये परफॉर्मेंस डिसेंट परफॉर्मेंस कही जा सकती है बोला फिल्म की अब तक की बॉक्स ऑफिस पर, क्योंकि फिल्म का बजट 80 करोड़ है तो डेफिनेटली आज ये फिल्म अपने बजट को क्रॉस कर जाएगी। जहां तक कल की थिएटर ऑक्यूपेंसी की बात करें तो 7.94% थिएटर ऑक्यूपेंसी ओवरऑल रही है बोला फिल्म की सभी शोज को मिला करके, तो ये ऑक्यूपेंसी ठीक है, इतनी बुरी नहीं है। अब जहां तक आज की बात करें तो दोस्तों आज शुक्रवार है, आज कुछ फिल्में रिलीज हो रही है जिसमें एक शाकुंतलम है सामंतारूथ प्रभु की, और दोस्तों एक स्कूल कॉलेज एनी लाइफ, ये जो मराठी मूवी है तेजस्वी प्रकाश करण प्रणव की, रोहित शेट्टी ने इसको प्रोड्यूस किया है, तो दो फिल्में रिलीज हो रही है तो डेफिनेटली बोला फिल्म के शोज आज मुंबई में तो कम होने वाले, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी बोला फिल्म के पास इतने शोज रहेंगे कि डेफिनेटली ये फिल्म आज अपने कलेक्शन में ग्रोथ कर सके, क्योंकि आज अम्बेडकर जयंती है, फ्राइडे है, गुड फ्राइडे नहीं, बोला के लिए गुड हो सकता है फ्राइडे, इस तरह से मैं बोल रहा हूँ। कल भी मैंने बोला था, किसी ने गलत अर्थ ले लिया था कि आपने गुड फ्राइडे बोल दिया, ऐसा नहीं है दोस्तों, मैं बोलना चाहता था कि बोला के लिए फ्राइडे गुड है, गुड होगा। तो आज अम्बेडकर जयंती है तो आज डेफिनेटली बोला फिल्म के कलेक्शन में ग्रोथ होने की संभावना है। जहां तक आज की एडवांस बुकिंग की बात करें तो करीब करीब अभी तक मेरे पास रिपोर्ट है कि 12 से 13 लाख रुपए की एडवांस बुकिंग फिल्म को आज के लिए प्राप्त हुई है, और डेफिनेटली फिल्म आज ये 1 करोड़ 80 लाख से ऊपर का कलेक्शन करने वाली है। अब 1 करोड़ 80 लाख से कितना ऊपर जाती है, 2 करोड़ जाती है, 2.5 करोड़ जाती है, ये तो इवनिंग शोज आफ्टरनून शोज की जो थिएटर ऑक्यूपेंसी पर डिपेंड करेगा, लेकिन मुझे पक्का विश्वास है कि कम से कम 2 करोड़ रुपए का कलेक्शन आज ये फिल्म करेगी, और 2 करोड़ का करने का मतलब है कि 80.50 करोड़ के आसपास इसका नेट कलेक्शन हो जाएगा, तो डेफिनेटली आज इसका 80 करोड़ का जो बजट है वो क्रॉस हो जाएगा, और फिल्म को सेमी हिट का वर्डिक्ट तो डेफिनेटली मिलना ही है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, एवरेज का वर्डिक्ट भी मिलने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है, हिट का वर्डिक्ट मिलता है नहीं मिलता है ये देखने वाली बात जरूर होगी। लेकिन जो लोग इसको फ्लॉप बोल रहे थे उनकी तो बोलती एक तरीके से बंद हो गई है कि फिल्म फ्लॉप नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड भी इसका कलेक्शन करीब करीब 106 करोड़ से 107 करोड़ के बिटवीन अभी तक हो चुका है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि बोला फिल्म अपना लाइफ टाइम कलेक्शन डेफिनेटली 85 टू 90 करोड़ और इससे भी ज्यादा जा सकता है अगर सैटरडे और संडे को अच्छा ग्रोथ मिल गया तो होने वाला ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब जैसे ही मेरे पास अगला अपडेट आता है तो मैं आपको शाम को एक वीडियो में और जानकारी दूंगा कि किस प्रकार का कलेक्शन बोला फिल्म ने कल किया है, एक्यूरेट कितना आया है और आज ये कितना कर सकती है, ये एक शाम को वीडियो आपके पास और आने वाला है। फिलहाल इतना ही, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, जय श्री राम, जय भोलेनाथ।